राचकोंडा के बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में आज सुबह हमारे बालापुर के इंस्पेक्टर वी सैदुलु, इनको दो म्यांमार नेशनल ड्रग्स बेच रहे करके इन्फॉर्मेशन आया था। इमीडिएटली वहाँ पे जाके ये जो दो आदमी है, अबीबुस रहमान सन ऑफ इमाम हुसैन और मोहम्मद रहीम सन ऑफ शबी, ये दोनों को NDPS एक्ट की प्रोसीजर फॉलो करते हुए मैजिस्ट्रेट के सामने इनका जब सर्च किया गया तो इनके पास से जो एक बैन ड्रग है जिसका नाम है याबा, ये थाईलैंड का ड्रग है बेसिकली, और याबा का मतलब है मैट ड्रग। ये ड्रग्स के तकरीबन 1400 टैबलेट रेड कलर के टैबलेट से इनके पास से बरामद हुए। एक टैबलेट 150-200 रुपए में ये लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। और ये जो ड्रग्स है ये खासकर म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश ये देशों में, वहाँ पे ये ज़्यादा कंज्यूम होता है। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट जो बॉर्डर है इन देशों से, वहाँ पे ये ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। और जब इसके बारे में पूछताछ की तो इनका कहना था कि ड्रग्स से लोग काम करने में एक्टिव रहते हैं। ये दोनों को अब जब हमने हिरासत में लिया और इनके जब डॉक्यूमेंट देखे तो इनके पास में एक के पास UNHCR का कार्ड मिला था और दूसरे के पास में एक उत्तर प्रदेश से निगड़ित एक आधार कार्ड मिला। वो आधार कार्ड फर्जी है या सही है उसके बारे में भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इनके साथ और कौन कौन है उनके बारे में जानकारी लेके उनको भी एक केस में हम पक्का अरेस्ट करेंगे। इस अच्छे काम को अंजाम देने वाले हमारे बालापुर के इंस्पेक्टर, ACP और सुपरवाइजरी ऑफिसर हमारे DGP क्राइम नागराज, इन सभी ऑफिसर को मुबारकबाद देता हूँ। सर, ये ड्रग्स का वैल्यू कितना है? 2 लाख से ज़्यादा है जी।